नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विशाल परिहार और आज हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि इंग्लिश को बोलना कितना आसान होता है और किस तरीके से आपको इम्प्रूव करनी है अपनी स्पीकिंग स्किल्स। साथ में ही हम आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और दोनों ही चीजों को बड़े ही ध्यान से सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर स्पोकन लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग। मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम है जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये नहीं समझ आता है कि कब किस वक्त हम कौन से शब्द को बोलें, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो हमारा इसमें चला जाता है कि ये वर्ड हिंदी में है या ये लाइन हिंदी में है, अब हमें इसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तब उसके बाद हम इसे बोलेंगे, और इतना सोचने में इतना करने में ही टाइम चला जाता है और सही टाइम पर सही शब्द मुंह से बाहर नहीं निकलते हैं। और बाद में शायद आपको लगता है कि यार मुझे आता तो था बट मैं उसे नहीं कर पाया। तो ये वीडियो पूरी तरीके से आपके लिए है, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए एक बढ़िया साबित होने वाला है। तो पॉइंट को स्टार्ट करते हैं बच्चे एक एक करके। पॉइंट नंबर वन बच्चे आपके सामने, दैट इज रिलीज द फियर ऑफ बीइंग जज बाय अदर्स। हम लोगों के अंदर एक डर रहता है हमेशा से कि यार मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, मेरी इंग्लिश अगर सही नहीं हुई हाउ दे विल बी गोइंग टू डू इट, हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट इट, अब वो कैसे रिएक्ट करने जा रहे होंगे। मैं चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोलूं चाहे मैं अच्छी इंग्लिश बोलूं, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग मुझे जज करेंगे कि नहीं। मेरा मेन मकसद है कि जो मैं बोलना चाहता हूं, व्हाटएवर आई वांट टू स्पीक आई कैन इजीली कन्वे, आई कैन इजीली स्पीक टू द पर्सन। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूं दैट मींस मैं एक स्टेप को पार कर पाया हूं, और यही आपको अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले तो ये डर आप अपने अंदर से निकाल दीजिए। इसके अलावा कुछ टिप्स बताऊंगा, उन टिप्स को अगर आपने दिमाग में रखा तो आपको देखो मजा आ जाएगा। बहुत जरूरी होता है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी चीज की, चाहे बोलने की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। जिस तरीके से जब खाना बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे प्याज की जरूरत है, मिर्च की जरूरत है, नमक की जरूरत है, थोड़े से तेल की जरूरत है, और अल्टीमेटली मुझे गैस की जरूरत है। तो ये सारी के सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप शुरुआत करें। जब आप बिल्कुल बोलना शुरुआत करते हैं तो उससे पहले लिखने की शुरुआत करें। कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको लेकर बातचीत आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि होम टाउन। यू कैन डिस्क्राइब योर होम टाउन लाइक वेयर यू रिसाइड, आप रहते कहाँ पर हैं। यस, एलैबोरेट एवरीथिंग अराउंड यू, आपके आसपास कैसी चीजें हैं, आप कैसे लोगों से मिलते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, हाउ दे डू देयर वर्क, वो कैसे अपना वर्क करते हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के दौरान। आप ये कई सारी चीजें वहां लिख सकते हैं। आप पहले लिखो, लिखकर उसे अपने ही साथ में बोलने की कोशिश करो। बहुत जरूरी होता है कि आपके साथ कोई व्यक्ति हो जो आप ही के जैसा बात कर रहा हो, आप ही की जैसी प्रिपरेशन कर रहा हो, वो अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और एक एक करके इन टॉपिक्स के साथ आप उसका डिस्कशन कर सकते हैं। बट अगर नहीं मिलता है इट्स ओके, आप सिंपली खुद से ही बोलना शुरू कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्या इंस्टेंटली अगर आपसे कोई इंग्लिश में बात करता है तो क्या आप वहां पर बिल्कुल कंफर्ट तरीके से जवाब दे पाते हैं। अगर आपका जवाब ना है तो आप इन सब पर ध्यान देना है। पहले इन टॉपिक्स के बारे में लिखो फिर उसी को दोहराना शुरू कर दो। बहुत ज्यादा जरूरी कब होता है कि आपके पास वोकैबुलरी नहीं मिल पाती कि कौन सी वोकैबुलरी को हमें यूज करना है। आपको मालूम है मॉर्निंग में 7 AM पर मैं डिस्कशन करता हूं द हिंदू एडिटोरियल का, और वहां से आप वोकैब निकालो, उन वोकैब को नोट करो, और नोट करने के बाद उन्हीं का ही इस्तेमाल करने लग जाओ अपने इन्हीं टॉपिक्स में, अबाउट योर स्टडी, अबाउट योर वर्क लाइफ, अबाउट योर हॉबी।
इन एवरी टॉपिक ट्राई टू यूज दोज वोकैबुलरी वर्ड्स एंड दे विल हेल्प यू, और आपको लगेगा कि आपकी जो स्पीकिंग है वो पावर बढ़ रही है. समय लगेगा बट यू हैव टू गिव योर टाइम, अपना मैक्सिमम टाइम आपको इसको यहाँ पर देना होगा. अच्छा, इसके बाद चौथी चीज मैं आपको बताता हूँ. आपने वोकैबुलरी तो लिख ली, आपको पता भी है, बट डेली बहुत सारी वोकैबुलरी है, क्या सबकी प्रैक्टिस हो पाएगी? हो पाएगी, लेकिन हमें सब पर ध्यान नहीं देना है. मैं कुछ तरीका बताता हूँ. अगर आप जब किसी से बात कर रहे हैं और आपके पास कुछ चुनिंदा ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ आपको पता है कि सिर्फ आप ही के पास हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं भारी भरकम से बढ़िया से वर्ड, और उन वर्ड को आपने क्या करा, कहीं से भी सिनोनिम थिसॉरस निकाल के आपने रख लिया और वो चुनिंदा सेलेक्टेड वर्ड्स आपने अपने पास रख लिए. जब आप किसी से बात कर रहे हो फटाफट से उन्हीं वर्ड के साथ बोलो, एक तो स्टाइल भी लगेगा, सामने वाले को पता भी लगेगा कि आपको इंग्लिश आती है, और आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. इस चीज को ध्यान रखना है. चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, सबसे बड़ी बात, जब आप किसी भी वर्ड को यूज कर रहे हैं तब आप देखिए उसकी पंक्चुएशन. पंक्चुएशन मतलब आपको कहां किस वर्ड के लिए कब रुकना है. प्रोनंसिएशन, किस वर्ड को आप कितने अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं. एंड देन इन्हीं दोनों के मिक्सचर से बनेगा आपका एक्सेंट. बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप बातों को बोलें, वर्ड्स को बोलें, तो आप अपने एक्सेंट को रियल एक्सेंट में रखें, जैसा आपका मदर टंग है उस एक्सेंट के साथ ही. धीरे धीरे ग्रेजुअली ये इम्प्रूव हो जाएगा और आपका एक्सेंट भी बढ़िया हो जाएगा. ये है टिप्स, सिर्फ इन्हीं चीजों को दिमाग में रखिए, बोलना शुरू करिए, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें डर लगता है और कितने लोग हैं जो इसे शुरू करने वाले हैं. मैं इंतजार करूंगा. अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए ये मुझे बताइएगा. ये वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप जरूर देकर जाएंगे आप सभी लोग, और आप में से जितने भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अभी नहीं जुड़े हुए तो आप जुड़ सकते हैं. अनअकैडमी पर ABP10 इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल. जय हिंद, जय भारत.